आज हम बनाने वाले हैं हरे हरे और बिल्कुल ही ताजे पपीते का टेस्टी डिलीशियस एकदम हलवा स्टाइल में पपीते का हलवा बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे एकदम ताज़ा ताज़ा अभी तुरंत ही पेड़ में से तोड़ करके पपीता लिया है। अभी इसे हम अच्छे से छील करके साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे अच्छे से छील करके साफ़ कर लिया है। अब हम इसे बीच में से कट कर देते हैं और इसका जो भी बीज है अच्छे से हम चम्मच की सहायता से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बीज को अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसे 4 टुकड़े में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से काट लिया है, 4 भाग में बना लिया है। अब हम इसे अच्छे से धुल देते हैं। तो हमने देखिए इसे धुल लिया है और डलिया में रख दिए हैं ताकि पानी इसका निकल जाए। तो इसमें का सारा पानी सूख चुका है। तो अब हम इसे अच्छे से घिस लेते हैं, यानी कि कद्दूकस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे पपीते को कद्दूकस कर लिया है। अब हम एक कटोरे में इन सारे पपीते को अच्छे से निकाल ले रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं, जैसे कि भगोना वगैरह भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कद्दूकस किया हुआ पपीता उबाल सकते हैं। तो हमने इसे उबालने के लिए ही कटोरे में रखा है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल दे रहे हैं ताकि कद्दूकस किया हुआ पपीता जो है पानी में अच्छे से डूब जाए। अब इसे हम उबालेंगे तो उसके लिए हम इसे गैस पे रख देते हैं और अच्छे से इसे उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पपीता उबलने लगा है। तो अभी हम इसे और उबालेंगे और पकाएंगे ताकि जो पपीता अभी कड़ा कड़ा है तो थोड़ा नर्म हो जाए। तो जब तक पपीता नर्म नहीं होता है इसे हम अच्छे से उबाल लेते हैं। और कच्चे पपीते को उबालने से जो उसमें का कसैलापन होता है, जो दूध वगैरह होती हैं, वो सब खत्म हो जाता है। जब आप हलवा बनाएंगे तो उसमें अगर दूध आप डालेंगे तो वो दूध फटेगा नहीं और हलवा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जैसे लगेगा कि आपने दूध नहीं डाला है, मावा डाल करके आपने उसे बनाया है। तो जब तक पपीता उबल रहा है तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट्स हलवे में डालने के लिए काट लेते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा काजू लिया है। आप चाहे तो इसे घी में फ्राई करके भी काट सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से काट लिया है फाइन बारीक बारीक। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा पपीता अच्छे से पक करके तैयार हो चुका है, एकदम मुलायम हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसे हम छान करके अलग कर दे रहे हैं, पानी अलग और पपीता अलग कर दे रहे हैं। अगर आपके पास जाली वाला बर्तन है तो आप डायरेक्ट उसी में जाली वाले बर्तन में इसे पलट सकते हैं। अगर नहीं है तो जिस तरीके से हम निकाल रहे हैं आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छे से पपीता निकल जाता है और बहुत ही अच्छे से सूख भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने निकाल दिया है और ये सूख चुका है। तो अब हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और कढ़ाई गर्म हो चुका है। तो हम इसमें थोड़ा सा घी डाल दे रहे हैं और घी को भी हम गर्म होने दे रहे हैं। तो घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पपीते को डाल दे रहे हैं। अब हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से इसे हम भून लेंगे। पपीते को भूनते समय फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि लो फ्लेम पे पपीता जलता नहीं है, लगता नहीं है, कच्चापन आता नहीं है, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो भून भी जाता है। हाँ, टाइम ज़्यादा थोड़ा लगता है लेकिन उसका टेस्ट भी डबल हो जाता है। अगर आपने हमारे फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर जाएँ और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर कर लें क्योंकि हम वहाँ भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहते हैं।
हमारा एक और चैनल है कार्टून चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि हम अच्छे अच्छे कार्टून वीडियोस भी बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एकदम अच्छे से पपीते को भून लिया है, तो इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दे रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार ही चीनी डालिएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो हमने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें दूध डाल दे रहे हैं। तो हमने दूध डाल दिया है, अब हम इसे लगातार चलाते हुए दूध को और पपीते को एक में मिक्स करेंगे, और दूध जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा जल जाएगा, तो एकदम मावे का लुक और मावे जैसा स्वाद भी आने लगेगा। तो दूध सूख चुका है, अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालने वाले हैं। तो ये है पाउडर, और इसमें है केसर और इलायची का ये पाउडर है, तो एक चम्मच हमने इसमें डाला है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, बहुत ही अच्छे से, और हमारा दूध भी एकदम अच्छे से सूख चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी डाल दे रहे हैं, अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। पपीते का हलवा धीमी आंच पे पकाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ अच्छे से आराम से घुलती हैं, एक एक चीज़ अच्छे से आराम से एब्जॉर्ब होती हैं, तो बहुत ही अच्छा उसमें टेस्ट आता है। अगर आप फ्लेम को तेज करेंगे, हाई करेंगे, तो वो जल्दी जल्दी बनेगा और उसमें उतना स्वाद भी उतना टेस्ट भी नहीं रह जाता है। तो अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दे रहे हैं, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। तो हमने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लग रहा है, और इसका स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पपीते का हलवा एकदम परफेक्ट डिलीशियस हलवा स्टाइल में तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं, और एक सर्विंग बाउल में हम हलवे को निकाल दे रहे हैं। तो पपीते के हलवे को हमने सर्विंग बाउल में निकाल दिया है, और अब हम इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर देते हैं। तो पपीते की हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप भी इसी तरीके से पपीते का हलवा ज़रूर बनाइए, और हमें भी बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, और हमारे वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।